Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Today we are going to start chapter number 1, Democracy. Every country needs some form of government to manage its internal and external affairs. मानी हर एक देश को उसके अपने आंतरिक और बाहरी जो अफेयर्स है, जिसका मतलब होता है हर एक देश को अपने आंतरिक और बाहरी जो मामले होते हैं उसको मैनेज करने के लिए मानी संभालने के लिए किसी न किसी रूप की सरकार की आवश्यकता होती है. देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड लाइक डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, जिसका मतलब होता है दुनिया में सरकार की अलग अलग सिस्टम मानी पद्धतियाँ होती है, जैसे कि लोकशाही और राजाशाही. एज टाइम प्रोग्रेस्ड दीज फॉर्म्स हैव ऑल्सो इवॉल्व एंड अंडरगॉन चेंजेस. मानी जैसे जैसे समय बीता गया यही रूप विकसित होते गए और उसमें बदलाव आते गए. किंग्स एंड क्वींस आर स्टिल इन पावर इन सम कंट्रीज, बट इन मोस्ट केसेस द कंट्रीज हैव बिकम कंस्टिट्यूशनल मोनार्कीज वेयर ए कंस्टिट्यूशन इज इन प्लेस टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क्स. माने अभी भी कुछ देशों में राजा और रानियों की सत्ता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देश संवैधानिक राजतंत्र बन गए हैं, और जहाँ पे राजाशाही की सत्ता को सीमित रखने के लिए संविधान मौजूद है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ. डेमोक्रेसी एज ए प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है सरकार की पसंदीदा के रूप में दुनिया में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा व्यापक है. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कंटिन्यू टू बी पावर टू द पीपल एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, जिसका मतलब होता है लोकशाही के जो मूलभूत सिद्धांत है वो लोगों को सत्ता और समान उपचार करते हैं. हाउएवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज डिपेंड एवरीवेयर, जिसका मतलब होता है फिर भी ये जो लोकशाही की जो समझ है हर जगह गहरी हो गई है. पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड हैव ओपिनियन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, जिसका मतलब होता है लोग अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की उनकी एक विस्तृत सीमा पर राय रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पॉइंट्स की एलिमेंट्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व. ए गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इफ इट एम्पावर्स द पीपल टू प्ले ए रोल इन डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब होता है एक सरकार को तभी लोकतांत्रिक कहा जा सकता है जब वह
निर्णय लेने में जनता को शामिल करे और यह उनको अधिकार दे। देर आर मैनी रीजन्स वाई डेमोक्रेसी हैज़ गेन एन एज ओवर अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें लोकतंत्र ने सरकार की दूसरी पद्धति और सिस्टम से ज़्यादा बढ़त हासिल की है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल आर एबल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्हें जनता है वो उनके प्रतिनिधि को चुनने में सक्षम है। एज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज वर्ल्ड वाइड अ लार्ज नंबर ऑफ व्यूज एंड ओपिनियंस नीड टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। दुनिया में लोगों की आबादी बढ़ने की वजह से सभी लोगों की जो बड़ी तादाद में जो राय है, विचार है, उसको सरकार के द्वारा ध्यान में लेना आवश्यक है। When making laws and policies, the government must bear in mind the interest of all communities in the country, whether they are in a majority or minority। मैंने इसका मतलब होता है जब कायदा और नीतियाँ बन रही होती है उस वक्त सरकार को देश की अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके हितों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, फिर चाहे वो मेजोरिटी ग्रुप हो या माइनॉरिटी ग्रुप के हो। फॉर दिस पर्पस अ डेमोक्रेटिक कंट्री कंडक्ट्स इलेक्शंस इन विच पीपल वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टूगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। इस उद्देश्य के लिए एक लोकतांत्रिक देश को चुनाव का आयोजन करना होता है जिसमें जनता मतदान करती है और उनके प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि मिलके एक सरकार बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ए डेमोक्रेसी मस्ट होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा, यह लाइन का मतलब होता है कि प्रतिनिधियों के चुनाव के उद्देश्य से एक लोकतंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। दिस मीन्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द पीपल टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। इसका यह अर्थ होता है कि जो जनता है, प्रजा, उसको चुनाव लड़ने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। In India, every citizen is guaranteed the universal adult franchise, which means everyone who is 18 years and above enjoys the right to vote in order to elect the representatives। यह लाइन का मतलब होता है कि भारत देश में प्रत्येक नागरिक को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की गारंटी दी गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सर्वत्र सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ होता है कि हर एक नागरिक जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव में मतदान कर सकता है।
Okay, now let's understand third features, third element, that means the active participation of the people in the affairs of their country makes a democracy successful. यह लाइन का मतलब होता है जब अपने देश के मामलों में जब जनता सक्रिय भाग लेती है तब लोकतंत्र सफल होता है. When people are allowed to participate in the government, they take more interest in the functioning of the system. जब लोगों को सरकार में हिस्सा लेने की या भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो वो लोग सरकार के कामकाज के जो सिस्टम है उसमें अपनी रुचि ज़्यादा दिखाते हैं. Those who have voted for the representatives celebrate every success, and those who didn't vote for those candidates always look for opportunities to highlight their shortcomings. यह लाइन का मतलब होता है जिन लोगों ने उनके प्रतिनिधियों को वोट किया है वो लोग हर एक सफलता में जश्न मनाते हैं, और जिन लोगों ने उन उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया है वे हमेशा अपनी कमियों को उजागर करने की अवसर की तलाश में रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट. एज अ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, इट इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द पीपल. इसका मतलब होता है कि वैसे तो सरकार जो बहुमत है उसके समर्थन के ऊपर निर्भर करती है, और जो सरकार होती है वो प्रजा के प्रति जवाबदारी और उत्तरदायी होती है. As election happen regularly after a fixed term, the government makes law which accommodate the different communities. अच्छा, यहाँ पे हम समझेंगे वैसे तो चुनाव एक निश्चित समय के बाद नियमित रूप से होते हैं, इसलिए सरकार विभिन्न समुदायों को एक करने के लिए कानून बनाती है. इट इज ऑलवेज सेंसिटिव टू द राइट ऑफ द सिटीजन. यह नागरिकों के अधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशील है. Okay students, now in this lecture we studied about the introduction of democracy and the key element of representative democracy. In the remaining part of the chapter we will discuss and explain in next lecture. Thank you.